इतना समझदार होता तो तुमसे मोहब्बत थोड़ी करता मैं। फिर किससे करते मोहब्बत? तो फिर करता किसी US रिटर्न कार्डियक सर्जन सोनिया से। डॉक्टर सोनिया? लड़के की माँ भी नहीं है, सारी जिंदगी उस घर में तुम ऐश करोगी। कितने अफसोस की बात है मामा, किसी की माँ के मरने पर आप खुश हो रही हैं? क्या जिंदगी में रिश्तों से इतना दूर क्यों भागती हैं? क्योंकि यही रिश्ते हमारी जिंदगियों में जहर घोलते हैं। अगर रूमी की इसी हफ्ते रुखसती ना करवाई तो मैं छलांग मार दूंगा यहाँ से। अरे रुखसती के बच्चे, तेरी रुखसती फिर भी नहीं होनी इस दुनिया से। खामखा की हड्डियां तोड़ाएगा और हमारा खर्चा कराएगा। तौबा तौबा, बेशर्मी की भी हद कर दी है इन लोगों ने। क्यों होगी चचल, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है। हाँ, ये टॉपिक तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है और शादी का टॉपिक तो तुम्हें बहुत बोरिंग लगता है। क्योंकि वो बेवक की रागनी है और इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉल खेलना मेरा ख्वाब, तो कम से कम वो तो पूरा करने दे। बंद करो, मैंने देखने दूंगी तुम्हें ये वाहियात फिल्म। अरे किस मूवी पर चोंचे लड़ा रहे हो तुम? देखे ना जरा, एक जवान जहान बेटे की माँ फिर से माँ बनने जा रही है, ये भी कोई टॉपिक है बड़ा मूवी बनाने के लिए? तो उसमें मसला ही क्या है? ये तो लड़की बेवकूफ है, छोड़े इसको। भाभी वो फोन आया लड़के वालों का, अभी तक तो आया ही नहीं। अरे दो दफा फोन कर चुकी हूँ मैं, फोन ही नहीं उठा रहे लड़के की माँ, तो मैं क्या करूँ? और इंशाल्लाह कयामत तक नहीं उठाएंगे फोन। अरे इस खानदान के हर एक इंसान को आ लगेगी मेरी। अरे क्या हो गया आशु, बिन माँ की बच्ची है ये? मैं भी इकलौता बेटा हूँ आपका, लेकिन मेरे जज्बात में सब फुटबॉल समझ के खेले जा रहे हैं। जॉन क्यों टेंशन लेता, आज बाबू भैया से मैं बात करती हूँ और खत्म करते हैं इसका सियापान। कसम खाए? कसम खाती है मेरी जूती, तू खाना खा जाकर। हाँ बेबी, आ गई याद मेरी, आ रहा हूँ यार। भाभी मुझे तो लगता है इसको बहुत बुरी नजर लग गई है, किसी काले जादू का असर है। हाय अल्लाह ना करे, मुंह में खाक तुम्हारे। काला जादू? चाय पियेंगी? अस्सलाम वालेकुम पापा। पापा सारे पहुंच गए आपके पास? उसका तो पता नहीं, मैं पहुंच गई लंच पर। मिस जाफर से मुझे यही उम्मीद थी। आंटी बात तो सुन ले। आंटी आई स्वेयर अम्मी ने वादा किया मुझसे। बेटा ये अम्मियों के सियासी वादे कम ही पूरे होते। मम्मा आपने इसको बताया नहीं, आपने मेरा भी टिकट रिजर्व करवा दिया। रूमी इसे 7 दिन बाद खुद ही पता चल जाएगा, जब तुम अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करोगी एयरपोर्ट लुक के साथ। आंटी प्लीज ऐसा ना करे, अभी तुम्हारा करियर स्टार्ट हुआ है, तुम्हें कुछ बोल। बेटा मेरी भी इमिग्रेशन का प्रोसेस अभी खत्म हुआ है और वहाँ जाकर रहना जरूरी है। फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? अपना पासपोर्ट दो, तुम्हारा भी वीजा प्रोसेस करवा देती हूँ, हमारे साथ चलो। वैसे भी तुम जैसे को स्पाउस वीजा ही मिलता है अपने बलबूते पे। नहीं नहीं भाई, मैं अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ के जा रहा किसी भी कीमत पर, आगे आप लोगों की मर्जी है। रे ना मेरा शाही ना उड़ता ये फिर अफिजा हो गई। पापा मैं स्वीटू के बगैर नहीं जाऊंगी, तुम भी यही मरो। स्वीटू? अरे मेरी प्यारी नैन तारा, वो तो बहुत ही गैर जिम्मेदार है गुलगुलजार का लड़का। भाई देखो आधे घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। और तुम खुद सोचो 30 मिनट किसी डॉक्टर की लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई कैसे गुजारोगी इस लड़के के साथ तुम जिंदगी? मैं कम इन सर। तुम आ गया, आ गया। लो जी चांद ने आज चांद चढ़ाई दिया। Assalamualaikum sir, I'm Sarim Guzar. बाहर नेम प्लेट देखी? नहीं सर। ये देख लो सर, अब देख ली। पार्किंग में तो नजर नहीं आ रही थी। I'm really sorry sir, वो तो लेकिन लिफ्ट में बाय बाय करके आपने हिसाब पूरा कर दिया था। बट थैंक यू सर। असल में मोहब्बत और नफरत में हम उधार रखने के कायल नहीं। खैर रिश्ते में हम नैन तारा के बाप लगते हैं और दुनिया हमें मीर जाफर के नाम से पुकारती। और ये दुनिया नैन तारा की वालदा है शायद। ओह सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। सर वैसे ये जुमले मारने की आदत से चार चांद लग जाते हैं ज्वाइंट फैमिली में, है ना? सॉरी सर। हैरत है तारा ने कभी तुम्हें मेरी पिक्चर नहीं दिखाई? नहीं सर,
नहीं सर, दिखाई थी वो, मेरे ख्याल से बहुत पुरानी पिक्चर थी, आपकी शादी की पिक्चर थी। ओह, वो तो फौरन फ्लॉप हो गई थी, लालटाई वाली। आई एम सॉरी सर, वो पार्किंग में मैं पहचाना नहीं आपको। इट्स ओके, दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि तुम पहले पहुंचे थे और मैं खैर छोड़ो। नैनतारा को तुम्हें क्या अच्छा लगा मिया? सर शायद मेरा स्टेमिना। क्या? जॉइंट फैमिली सिस्टम में कुछ अरसे बाद स्टेमिना ही बचता है, मोहब्बत नहीं। सर वो मोहब्बत ही तो टूटने नहीं देती स्टेमिना, जो रिश्तों को जोड़ के रखता है। इन रिश्तों की तो कमी है मेरी बेटी की जिंदगी में। सर सिर्फ रिश्तों की नहीं, उसे एक भरपूर और मुकम्मल जिंदगी चाहिए, जिस तरह की जिंदगी वो जीना चाहती है हमेशा से। जो बदकिस्मती से मैं और राजिया नहीं दे सके उसे। सर लेकिन आपके साथ तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तारा की। हाँ मेरे साथ तो है। मिया तुम ऐसा करो कि तुम 20 नंबर का ऐसे लिखो मेरी बेटी की तारीफ में, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सर मैं 20 पेजेस का लिख सकता हूँ, लाइए। ओह, ओवर कॉन्फिडेंस बाज दफा मरवा देता है। ये लो, एक घंटा है तुम्हारे पास। जी सर। चाय पियोगे कॉफी? जी सर। सर कॉफी? दो कॉफी लाओ, कैपुचिनो। ओके। ये लीजिए मामा आपकी खिचड़ी। इस खिचड़ी को छोड़ो, उस खिचड़ी का बताओ जो तुम और तुम्हारा बाप मिलकर बना रहे हो। मामा आपको इतना बुरा क्यों लगता है वो? इसलिए कि उसकी वजह से इस जिंदगी में पहली बार तुम माँ की आंखों में आंखें डालकर बातें करने लगी हो। तो कुछ गलत तो नहीं कह रही मैं? गलत नहीं कह रही, फैसला गलत कर रही हूँ। देखिए फैसला तो आप और पापा ही करेंगे ना। लीजिए रायता। मामा फैला दिया ना रायता आपने। ये रायता तो तुम समेट लोगी, लेकिन बाकी सब कुछ समेटा नहीं जाएगा, इसलिए कह रही हूँ कि संभल जाओ। लड़के की माँ के सर पे गोल तुमने किया था? मैं क्यों करूंगा पराई बॉल पर गोल? मला मैडम की किक का कमाल है। मेरी किक का कम, मिस जमाल का कमाल ज्यादा है। मैं तो बस आशु को सिखा रही थी कि बॉल को हिट कैसे करते हैं। पूछे हाँ, और खुद ब खुद उनका हेड जो है वो बीच में आ गया। पता उनके बेटे ने हॉस्पिटल से फोन किया था, सफो भाभी को इतनी खरी खरी सुनाई है। क्या वो बदतमीज बदलियाज हिला हुआ लड़का ही मिला था ना आप लोगों को मेरे लिए? हिला हुआ तो तुम्हारा दिमाग है, जब से तुम्हारी सिलेक्शन हुई है ये नेशनल टीम में। तो आप कौन सा ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं मुझे जाने के लिए? चलो भैया रिश्ता तो गया हाथ से, यहाँ भी नजर लग गई। अरे कोई मेरे हाथ की लकीरें भी देख के बताओ, सारा एक्सपीरियंस पानी में चला गया मेरा। बुरी परफॉर्मेंस पर केस तो नहीं कर दिया किसी ने? इनकम टैक्स का नोटिस आया है पूरे 10 लाख का। अब भला बताए कोई इन बैंड वालों की शक्लों में कमा रहा हूँ 10 लाख रुपए? इन बैंड वालों की शक्लों पे ही तुम कमा रहे हो? और अब तो सुना तुमने कोई ढोल वाला भी रख लिया है? बाबू भैया ये जबरदस्ती का ढोल देखे हैं जो सरकार ने मेरे गले में डाल दिया है। ये 261 वाले खालिद अंकल की हरकत लग रही है, वो काम भी करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ओए जिनके बेटे की बारात में हमने डिस्काउंट नहीं दिया था। अरे क्यों दें डिस्काउंट हम उन्हें? और ये नोटिस तुम्हारे नाम पे क्यों आया? बिजनेस तो हमारा कंबाइन है। बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बात का मुझे। जाओ अपने अब्बा के कमरे में वो फाइल रखी हुई है वो लेकर आओ। कौन मैं? नहीं मैं बैंड वालों को कह रहा हूँ कि बैंड बजाते बजाओ और फाइल लेकर नीचे आओ। जा रहा हूँ भाऊजान, मैंने थोड़ी भेजा नोटिस। अच्छा खासा स्टारू बस घर वाली मेरे बैंड बजाते रहते। अरे रुक जाओ रुक जाओ, जहाँ बैंड बजाने की जरूरत नहीं वहां तो तुम लोग बजाते नहीं हो, यहाँ शुरू हो जाते हो हर बात पे। जाओ तखलिया। वो बारिश की दीवानी, मोतिये के फूलों की मस्तानी, इल्मे तिब की सियानी, म्यूजिक की महारानी, ढोल की आवाज पर वाइब्रेशन वोट पर जाने वाली, शोक और चंचल रानी है जिसे देखकर आपको भी जिंदगी से प्यार हो जाता है। कांग्रेचुलेशन मिया। क्या मैं फेल हो गया? अरे क्वालिफाई कर गए भाई पहले राउंड में। सर किस चीज के राउंड में? कौन बनेगा नैनतारा की आंखों का दुलारा? रियली? यस। सेकंड राउंड शाम 5 बजे शुरू होगा,
तुम्हारे घर पर, ठीक है सर? हमारे घर? आप हमारे घर आएंगे क्या? मैं ही नहीं बल्कि राजिया और नैनतारा भी होंगे। तारा भी? आहिस्ता बोलो। तारा भी? साई ने जिंदगी नैनतारा ने गुजारनी है उस चिड़ियाघर में, मेरा मतलब है उस घर में, तो उसको पता होना चाहिए ना किस किस्म के लोग हैं, क्या एनवायरनमेंट है। तुम्हें कोई एतराज है क्या? यस सर। नहीं नहीं सर, मुझे क्या एतराज होगा, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाइएगा। सर लेकिन क्या आ जाना जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि जाफर नेक काम में देर का कायल नहीं है। जाओ और जाकर हमारे शाया निशान इस्तकबाल का एहतमाम करो। दो घंटे में तो शान चाचा की दुकान से मिठाई और शायान रबड़ी वाले का फालूदा ही आ सकता है। शाया निशान इस्तकबाल कैसे हो गए? क्या सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, क्या सोचूंगा सर? याद रखो, जब घड़ी की छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 12 पर होगी तो अपने घर का गेट खोल देना। जी सर, खोल दूंगा गेट। चांद के घर में अब फिर कोई नया चांद चढ़ेगा। सर मुझे इजाजत, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। चल रही है मेरी, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की। अब नई बात सुनो, वो तुम्हारे पापा बमाए अहलो अयाल हमारे घर आ रहे हैं 2 घंटे के अंदर। सच्ची? बन जाओ अब तुम बच्ची। अब मतलब मैं भी आ रही हूँ उनके साथ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे रुखसत होके मेरे घर पे आ रही हो। सिर्फ 2 घंटे तैयारी कैसे होगी यार? अरे तुम अपनी तैयारी को छोड़ो, मुझे ना वो छत जरूर दिखाना जहाँ पर कबूतरों का दरबा रखा करते थे और वो पतंगे लूटा करते थे बचपन में, और हाँ वो टेरेस भी जहाँ तुम उल्टा लटक गए थे हम साइयों की लड़की देखने के लिए। अभी भी उल्टा लटकाया हुआ तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे, बिल्कुल बंदरों वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा बात सुनो, मच्छू को कहना कि हमारी आमद पे ना कोई जबरदस्त धुन बजाए, जैसे हेलो हेलो। लगता है इसके भी सिग्नल जोड़ गए। अब इंसान को किसी इतने हैंडसम आदमी से भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अरे लिफ्ट आ गई। अरे लो जनाब, पहला नतीजा तो यही मौसूल हो गया। इस टायर को भी अभी पंचर होना था, आधा घंटा मेरा यही बर्बाद हो जाएगा यार, मैं क्या करूं? जिंदगी के हर मामले में एक स्टेप नहीं होना जरूरी है। अगर इनकार हो गया मैं तो कंवारा मरूंगा और मेरी कब्र के कद्दे पे लिखा होगा, हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। क्या बात है? चल बेटा चांद, अपनी इंजीनियरिंग दिखा। अरे किसकी कॉल आ गई? एक मिनट भाई। अरे इसे भी अभी वीडियो कॉल करनी। हाँ तारा। ओए हीरो, तुम अपना कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो जमीन पर बैठकर? अरे यार स्टेपनी लगा रहा था, ये देखो पंक्चर हो गया था। अच्छा स्टेपनी को छोड़ो, ये देखो ये ड्रेस पहन के आ जाओ आज। कुछ भी पहन लो यार। हाँ तो फिर ओटी का ड्रेस पहन लेती हूँ। तुम्हें मजाक सुन रहा है? अरे यार मुझे 1 घंटा तो यही लग गया। वो सुसर साहब फरमा रहे थे कि 5 बजे गेट खोल देना, हमारा इस्तकबाल करना। कैसे पहुंचूंगा, कैसे खोलूंगा दरवाजा यार? मैं बाद में बात करता हूँ तारा। अच्छा सॉरी सॉरी, फोन बंद कर रही हूँ। यार तुम अब ये झूमना बंद करो और नीचे आओ, तुम्हारा बाप फिर आ गया लाल टाई लगाकर। आज लगता है मामा के अरमानों का फिर खून होने वाला है। चल तारा, हम तो तैयार हूं अपने सिग्नेचर स्टाइल में। जी अकमल साहब, मैं आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं सर, मुझे सिर्फ 2 दिन दे दें, मैं आपका प्रोजेक्ट बना के दे दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरे यार कहाँ रख दिए फाइल आपने? यहीं दराज में होगी, देखो। अरे देखो दराज है, कोई उम्र अयार की जंबील थोड़ी जो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा।
अम्मा उठ के तलाश कर लेना, नीचे मच्छू की बैंड की बैंड में जाके रख दिए बाबूजान ने। अबे मैं नहीं उठ रही, मेरी तो कमर वैसे ही टूट रही है भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अम्मा आपको क्या हो गया, अब आप किसी ढंग के डॉक्टर के क्यों नहीं लेके जाते इनको, अगर पैसों का मसला है तो मेरा डेबिट कार्ड ले जाए। अबे एक दूंगा घुमा के, बढ़ाया अपने पैसों का रोम जमाने वाला, आके खोल कर दे दूसरी तरफ। ये आंखें खुल गई है अम्मी की मेडिकल रिपोर्ट देख के, ये क्या है? ये रिपोर्ट तो मुझे पहले इस रिपोर्ट की रिपोर्ट दे मुझे। वो बेटा डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर ने जो बताया मैंने पढ़ लिया, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा? अरे बेटा हमने सोचा, आपने सोचा बच्चा 20 साल का हो गया, इसका ब्याह छोड़ो, इसके लिए कोई भाई बहन ले आते हैं, उसमें बिजी रहेगा। अब्बा क्या कर रहे हैं? वो बेटा अल्लाह के काम ही कुछ ऐसे हैं। आप लोगों के काम वो तो आप लोग कर नहीं रहे हो, जुदाई की दीवार खड़ी कर दी मेरे और रूमी के बीच में, खुद घर को किंडरगार्टन बना दिया है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है इस घर में। इसी वक्त से डर रही थी मैं। मैं तो नहीं डरता, जो बिगाड़ना बिगाड़ ले हमारा। अरे तो जाए रोके उसको, पूरे खानदान में ऐलान करेगा वो। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। कहाँ फंस गई मैं। चलो भाई 4:30 बज गए, 5 बजे वहां पहुंचना था। चलिए चल लो। तुम कहाँ जा रही हो झूम झूम कर, घर बैठो। हाँ ये मेरे साथ जा रही, ये मेरे साथ हॉस्पिटल जाएगी, वहां मरीजों की जिंदगी का मामला है। ये मेरे साथ अपने होने वाले ससुराल जा रही है, वहां इसकी अपनी जिंदगी का मामला है। तुम अपने बाप के साथ नहीं जाओगी। तुम अपने बाप के साथ ही जाओगी बेटा। पापा मामा मैं कुछ च्युइंगम थोड़ी हूं, जिसे एक साइड से आप खींच रही हैं मामा और एक साइड से पापा। मैं उस लड़के को रिजेक्ट कर चुकी हूं। मैं उस लड़के को सिलेक्ट कर चुका। अरे तुम जानती नहीं हो कितना लायक लड़का है, कितनी मोहब्बत करता है। उसको मैंने कहा कि मेरी बेटी पे एक ऐसे लिखो। क्या लिखा? और माफ करना, हम दोनों से ज्यादा वो हमारी बेटी को जानता है। अरे जो उसने लिखा मैं तो पढ़ के आंसू आ गए, वाह। अच्छा क्या जानता है वो इसे? मैंने वो डायरी से पर्चा फाड़ लिया था क्योंकि मुझे पता था मुझे जरूरत पड़ेगी। हाँ वो बारिश की दीवानी, मोतियों के फूलों की मस्तानी, इल्मे तिब की सयानी, म्यूजिक की महारानी, ढोल की आवाज पर वाइब्रेशन मूड पर जाने वाली रानी, जिसे देखकर आपको जिंदगी से प्यार हो जाता है। हाय हाय मेरी बच्ची, क्या फजूल और घटिया किस्म की कहानी है ये। फजूल कहानी आपकी बेटी की मोहब्बत की कहानी, लेकिन तुम ये सब क्या समझोगी? समझी तो मैं भी नहीं हूँ आज तक आप दोनों को। भाई जब लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही कामयाबी के क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते, पर झगड़ा किस बात का है? माँ बाप बुरा नहीं सोचते औलाद के लिए, औलाद भी अपने लिए कोई बुरा नहीं सोचते। एक मिनट मेरी जान, मेरी बेटी तुम बताओ तुम क्या चाहती हो अपने लिए? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप दोनों एक पेज पर रहकर वो फैसला करें जो मुझे खुशी दे, वरना शादी तो मैं कर लूंगी लेकिन खुश रहने की कोई गारंटी नहीं है। सुन ली तुमने अपनी बेटी की बात? अपनी जिंदगी के साथ तुमने जितना खेलना था खेल लिया, खुदा के लिए अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी के साथ तो मत खेलो। मैं तो मोहब्बत करता था तुमसे इसलिए तुम्हें झेल गया, और जो मैंने झेला तुम्हारे खानदान की जहालत को उसका हिसाब कौन देगा? माफ करना रजी, तुमने भी मुकाबला उन्हीं के लेवल पे जाकर किया और तुम ये भूल गई थी कि तुम एक FCPS डॉक्टर। आप दोनों एक काम करें, आराम से बैठ के झगड़ा कर लें हमेशा की तरह। मैं सारिम को कॉल करती हूँ, मना कर देती हूँ कि हम लोग नहीं आ रहे। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तो चाहती यही है कि हम ना जाए वहां। मीर जाफर तुमने तो हमेशा मेरे बारे में गलत अंदाजे लगाए। एक बात बता रही हूँ, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगी मैं उस चिड़ियाघर में। Yes! Thank you! Emotionally blackmailing तो कोई तुम दोनों से सीखे। Come on, let's go! चले। ओए ठंडी चवन्नी क्यों टकरे मारता फिर रहा है यार? टक्कर तो मुझे मारी है शहजादा सलीम ने, वो भी कमर पे। कहीं मुंह दिखाने के लायक भी छोड़ा मुझे भाई। कोई वीडियो तो लीक नहीं हो गई तुम्हारी? उनकी अपनी रिपोर्ट लीक हो गई है। आपको पता है हमारे घर कौन आ रहा है? हाँ तारा, अपने पेरेंट्स के साथ। तो तारा भाभी जो दिन में तारे दिखा रही हैं आपको, घर का हशर देखा अंदर जाके कुछ समेटे? आधे घंटे में तो काली नहीं सिमटता हमारे घर में, पता नहीं घर कैसे समेटूंगा यार मैं। हेलो, हाँ कर दिया मैंने ब्रेकअप,
बिल्कुल लगाऊंगा पोस्ट, मेरा अकाउंट मेरी मर्जी, तुम जाओ अपनी एयरपोर्ट लुक की वीडियोस पे काम करो, हाँ मुझे ना कॉल्स करो। मम्मा, मम्मा, मम्मा देखे हाशु ने हमारे ब्रेकअप की स्टोरी लगा दी इंस्टा पे। 24 घंटे में गायब हो जाएगी, तब तक आधा पाकिस्तान रीशेयर कर चुका होगा। अच्छा है ना, हाइप क्रिएट रहेगी। मम्मा मैं मर जाऊंगी स्वीटू के बगैर। जो बंदा शर्म से नहीं मर सकता, दुनिया में किसी चीज से नहीं मर सकता। मैं नहीं जानती, आप चले मेरे साथ और बनाए स्वीटू को। अरे रुको, तुम्हारा दिमाग ठीक है? नहीं, खराब है। और इससे पहले कि मैं पूरे पाकिस्तान का दिमाग खराब कर दूं, आप चले मेरे साथ। आज तो किसी कीमत पर नहीं, मेरे मैनिक्योर और पेडिक्योर की अपॉइंटमेंट है सैलून में। मम्मा, मम्मा। अरे आप लोग आए आए, प्लीज प्लीज अंदर आए। सालिको, अरे तुम तो वही टिकटॉकर स्टार हो ना जिसके ब्रेकअप की कहानी पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है। यहाँ तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन आपने यहाँ ब्रेक क्यों लगा ली? अंदर आए। इंश्योरेंस हुई तुम्हारी? नहीं जी, नहीं, आप प्लीज आए ना, इस तरफ आए, इस तरफ। छोड़ दो मेरी जान, छोड़ दो। अरे अरे, क्या धोबी घाट बना हुआ है घर? धोबी घाट नहीं, फांसी घाट बना हुआ है। आज तो इस बुजुर्ग को मार कर ही निकालेंगे हम। किसे? मुझे? तुम्हें नहीं। चाची चाची, हमारे मेहमान आने वाले, तैयार हो जाए यार, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे अब तो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना आ जाए, पहले तो भाई इसको बर्दूर को मारेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ भाभी, एक दुश्मन तो मर गया हमारा। अरे लेकिन इसकी बीवी भी होगी कहीं? क्या? हाँ बीवी, चूहों की भी कमल खोल दे। अस्सलाम वालेकुम तारा। माला जो तार सकती है सबके दिमाग का जाला। अरे वाह, हमारी बहू आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुग जुग जी। नाचीज को जाफर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? आप तो लगता है जब से हमारे घर से गई हैं परेशान ही घूम रही हैं। अरे नहीं नहीं, हॉबी है इनकी परेशान होना और परेशान करना। कैच 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 कैच। एक्चुअली मैं कप्तान था वॉलीबॉल टीम का। अरे माशाल्लाह चाची, सद के जाए गले तो लगो। चल पड़े गले। छोड़ दें, बच्ची को नजर लग जाएगी। चांद भैया किधर हैं? बाबू भैया के कमरे में। जाओ ना जरा से बताओ, तारा आई है। मामा बैठिए ना। हाँ बैठिए ना, बैठिए। हाँ बैठिए जी, शुक्रिया। तुम ये तो बैठ जाओ। इस शक्ल पे 10 लाख का नोटिस तो नहीं बनता बाबू भैया। बात अगर शक्लों पर आ गई तो सदके खैरात पर ही खत्म होगी। आपको क्या मेरी शक्ल सदका खैरात खाने वाली लगती है? अरे नहीं, चैरिटी भी तो ले सकते हो। बाबूजान, मुझे एक जरूरी बात करनी है अकेले में। हम भी यहाँ कोई लूडो नहीं खेल रहे, बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। ये देखो पूरे 10 लाख का नोटिस आ गया मुझे। ये आपका नाम तो मतीन अहमद है ना? तुम्हें आज पता चला? मुझे तो पता है लेकिन शायद आपको पता नहीं है, ये किसी मुबीन अहमद के नाम पे। अरे अरे, वो मुबीन अहमद मुगल जो कोने में रहते हैं। बेड़ा गर्क हो मती तुम्हारा, तुम्हारी तो वाकई मत मारी गई है। मैं भी कहूं कि बिजनेस मेरे नाम पर है तो नोटिस तुम्हें कैसे आ सकता है? वो एक के आगे इतने सारे जीरो देख के मेरा दिमाग ही चकरा गया। अब समझ नहीं आया नुक्ता लगा हुआ कहां है। फौजी आ गई है बॉर्डर पर। मामा पापा आ गए। कौन मामा पापा? अरे वो नैन दारा के।
डॉक्टर राजी आई है, चेकअप करवाने हैं अम्मी का। क्यों सफा को क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप चलो ना, मेहमान आ गए। हाँ भाई चलो। मामा पापा को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। नोटिस आप उनको दे के आइए। हाँ मामा, मामा आ रहे हैं। मामा थैंक यू चांद, तूने बचा लिया यार, शुक्रिया। कहाँ बिठाया? हमने तो सोफा पर बिठाया, लेकिन आप बिठा दीजिए अपनी पलकों पर। लेकिन खुदा का वास्ता ये कपड़े चेंज करें यार, वकील साहब लग रहे हैं। खुशी की खबर आई है, 10 लाख की बचत हो गई, इसी खुशी में बजाओ बैंड। अरे मच्छू को मच्छू यार, मेहमान आ गए यार। मच्छू क्या हो गया आप? हाँ तो मेहमानों को पता चलना चाहिए बाबू, वेडिंग बेल्स वालों का घर है यहाँ पे, हर वक्त खुशियां नाचती रहती है। बजाओ शादवानी। अरमा जाओ कपड़े दिन चले यार। ये मच्छू का बैंड है ना? हाँ। यही तो खूबी है मत्ती के बैंड में, मुर्दे भी कब्र से निकल के झूमने लगते हैं। भैया कहीं तुम मुझे वो मुर्दा तो नहीं समझ रहे जो कफन फाड़ कर बोलता है? अरे आप बोल थोड़ी रहे, आप तो झूम रहे। अरे भाई साहिब नसीब, कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? आप जी फाइन थैंक यू। ये बैंड क्या आप 24 घंटे घर में ही बजता रहता है? आज तो खुशी का मौका है जी, 10 लाख का नुकसान होते होते बचा है। बाबू भैया ये है तारा, इनकी बेटी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये है डॉक्टर नैन तारा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे पद से बचाए। बैठो बैठो। हाँ भैया, आपकी नजर कहीं कमजोर तो नहीं है जो हमारी औलाद पसंद आ गई? हो जाना आप। ईमान से बताओ, तुमने आज तक कोई ढंग की चीज पसंद की है? लेकिन आज सारे दाग धो दिए हैं। गुल्लो जिंदा होती काश तो बहुत खुश होती। अरे बाबू भैया ये तो बिल्कुल टिक टू कॉपी है बड़े डॉक्टर साहिबा की। ये देखिए खानदानी नाक दोनों की एग्जैक्टली सेम टू सेम है, देखे। मैंने तो देखते ही पहचान दिया था, आफ्टर ऑल मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। हाय अल्लाह मत्ती, मत क्या करें ऐसी बातें, नजर लग जाती आपको। डॉक्टर साहबा के हस्बैंड भी हैं यहाँ, उनसे भी मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मीर जाफर कहते हैं। मीर जाफर साहब, आपका नाम ही मीर जाफर है या हरकतें भी मीर जाफर जैसी है? जी नहीं, ये तो सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है कैसे बिहेव करना। तारा चलो ना, मैं आपको अपने अवार्ड्स दिखाती हूँ, चलो। हाँ मामा मैं आने आ रहा हूँ, आइए आइए जॉय। हाँ तो जनाब मीर जाफर साहब, सुना आप इंश्योरेंस में हैं, कोई अच्छी सी पॉलिसी हमारे लिए भी तजवीज कर रहे? चलो ये तो गेम गई हाथ से। अरे क्या मतलब, आप जैसे पढ़े लिखे और सेंसिबल इंसान ने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं? कह दीजिए ये झूठ है। नहीं मिलॉर्ड ये सच है। ना करें भाई ना करें। आप बस हाँ करें इस रिश्ते के लिए। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग बातें करें, मैं कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करूं। हाँ जल्दी जाओ। माशाल्लाह सब कितने खुश है ना, नजर ना लग जाए बस। नहीं जाना। नहीं सपू भाभी ने कहा आप पे नजर रखो। ये सब लोग हमारे लिए इकट्ठे हुए? नहीं नहीं, 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं। असल में अब्बा और हमारे जो चचाज है ना, उनको ऑफिस ही नेक्स्ट सीन है, और चांद भाई घर पे काम करते हैं, तो ये चहल पहल तो चलती रहती है। वो चांद भैया, वो चांद भैया ना आपका ऊपर वेट कर रहे हैं। इधर देखिए स्माइल। और ये पिक्चर मैंने इसलिए लिया ताकि मैं अपने रिकॉर्ड में रखूँ। हाँ ठीक है चलो, जिन लोग खबरदार किसको बताया था। बेबी मेरी दिमाग की बत्ती पहले ही गुल है, इस तरह इमोशनल बातें करूंगी ना पूरा ट्रांसफॉर्मर ही उड़ जाएगा, इसलिए सेफ साइड पर रहो, मुझे कॉल करना बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ आशिर। हाय। हाँ मतलब मैं नहीं करूंगी। इससे क्या हुआ है? इसको और इसकी बेबी को ना ब्रेकिंग न्यूज की बीमारी है, तो बस उसी सिलसिले में ब्रेकअप शो चल रहा है उनका। फॉर कहां ये नीचे ले आई आपकी मेहमान को, बड़ी मुश्किल से लेके आई हूं। थैंक यू। आंटी का मूड कैसा है? आज की तारीख में तो ठीक नहीं होने वाला।
चांद भैया वो अम्मी कह रही है ये अखरोट का हलवा खा लेंगी। मेरी जान मैं तुम्हें भी खा लूंगी। अच्छा अखरोट के हलवे अब नीचे चले, आप लोग के पास 15 मिनट्स ओके ओके। छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करता हूँ बड़े बड़े। तो बड़े भैया अब किसी को ऊपर मत आने देना, जाओ। पर हम तो पहले ऊपर। तो वही तो कह रहा हूँ जाओ तुम लोग। यस सर। क्या चीज है? अरे काम बस यूँ समझे कि 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और हम अपनी मोहब्बत की ट्रॉफी जीत कर आए उसी दिन। भाई कमाल का दिन चुना आपने अपनी शादी के लिए। हाँ और कमाल की बात यह है कि हमारी शादी पर तो लाठी चार्ज हो गया था, इतने ज्यादा मेहमान हो गए कि सरकार ये समझी कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। हाय नजर लग गई। सफो कुछ मीठा तो दो ना डॉक्टर साहिबा को। जी 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 आप प्लीज नैनतारा को बुला दीजिए, वो माला के साथ है ना उसके कमरे में। और माला जब तक सारी ट्रॉफीज की डिटेल नहीं बताएगी ना तब तक जान नहीं छोड़ेगी उसकी। माशाल्लाह काफी मोहब्बत है आप सब में, बहुत खुशी हुई आप भाइयों का प्यार देखकर। देखिए ये तो बाबू भैया कमाल है कि हम तीनों भाइयों को जोड़ के रखा एक मोहब्बत की डोर से। अब इस मोहब्बत की डोर में एक गिरा नैनतारा के नाम की दही और बाबू भाई यही गिरा इस डोर को और मजबूत बना दे। बस मुझे ऐसा ही घर चाहिए था अपनी बेटी के लिए। तो फिर समझे मिल गया। डॉक्टर साहब ये लीजिए गाजर का हलवा, इतना मजे का है कसम से मैं सुबह से दो बार खा चुकी हूँ। आप तो जरा ध्यान करें, इस कंडीशन में इतना ऑयल अच्छा नहीं होता। किस कंडीशन में? वो एसिडिटी है ना सफू को, इसकी वजह से कह रही है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं आप किस कंडीशन की बात करें? मैं जिस वजह से कह रही हूँ आप सब लोगों को इनका बहुत ख्याल करना चाहिए। ये किस वजह से कह रही हैं आप? बाबू भाई ये चाय लीजिए चलो। अरे आपने बताया नहीं लोगों को। किस चीज के बारे में? किसी चीज के बारे में नहीं कहूंगा। बिस्किट लीजिए बिस्किट लीजिए। अरे इसमें छुपाने वाली क्या बात है, आप बताएं ना सबको कि इस घर में एक फैमिली मेंबर का इजाफा होने वाला है माशाल्लाह। वैसे बड़ी हिम्मत की है इन्होंने इस एज में। क्या थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल आपको पहले करना चाहिए। अरे भाई माशाल्लाह भाई नाम बुलाई दिया भाई, मुबारक हो मुबारक भाई। इस खुशी में तो मैं गाजर का हलवा खाऊं, मुझे गाजर का हलवा दे। भाई वाह 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 ये तो ऊपर वाले का कमाल है भाई वाह। नहीं वो उसमें खाऊंगा। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के रंग निराले माशाल्लाह, यानी कि मैं दोबारा चाचा बनने वाला हूँ। वाह माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह असल में बाबू भाई हमारी हो गई सेपरेशन की, वरना आप लोग यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे इतने पास चढ़े जो कि मेरे घर। अरे ये अचानक से तुम्हारे की चुड़ैल क्यों जग जाती है यार, इतनी जोर से मेरा बाजू नोच लिया। अच्छा दिखाओ जरा मेरा सिग्नेचर स्टाइल। मैंने अपना सिग्नेचर स्टाइल दिखा दिया ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकोगी तुम। अच्छा दिखाओ सर। चांद भैया वो ना हर्षू भैया आपका ना चार्जर मांग रहे थे। तो मैं कोई चार्जर अपनी जेब में लेके थोड़ी फिरता हूँ, वो रूम में साइड में पड़ा होगा, हर्षू से बोलो जाके ले ले वो। सही। और तुम इतना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके क्यों खड़े हो? तुम्हें क्या लगता है डरती हूँ तुमसे? अगर डरती नहीं हूँ तो पास आऊँ। अच्छा अपने घर में तो तुम भी शेर बन गए। भाई शेरनी के सामने शेर की क्या हैसियत। चांद किधर हो तुम? जाओ ये दवाइयाँ लेकर आओ, तुम्हारी सबू चची का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। क्या हो चची? अनजान तो यू बन रहे जैसे तुम जानते ही नहीं हो, हॉस्पिटल तो तुम ही लेकर गए थे। तो वो मैं बाद में बताऊंगी, जाओ ये दवाइयाँ लेकर आओ पहले। और बेटा तुम हमारी माँ इंतजार कर रही है बेचैनी से तुम्हारा, आ जाओ। जी मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चलना चाहिए, यूँ जरा थोड़ा हॉट लग रहा है। दो मिनट बात तो कर लूँ मुझसे। करो भैया आपको आपकी मम्मा नीचे बुला रही हैं। अरे चलो भाई इस घर में तो सुकून से बात ही नहीं हो सकती, चलो। आपको नहीं बुलाया उनको बुलाया, आप बड़े सुकून से बातें। आ जाए। अच्छा
वालेकुम अस्सलाम। कुछ हुआ है क्या? अब मतलब गाड़ी में भी आप लोग इतना चुप चुप थे। पूछो अपनी माँ से, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। क्या हरकत की है तुमने? इसमें हरकत वाली क्या बात है, मैंने उनकी फैमिली को सच बताया बस। सच बताया नहीं है, उनके सरों पर बरसाया है। बात गलत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे बताने का स्टाइल गलत। अरे भाई, एक बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही कि ये बात अपनी फैमिली से छुपाने की जरूरत क्या थी उसे। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें एज अ डॉक्टर अपनी मेडिकल एथिक्स को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जब वो बार बार मना कर रही थी तो तुम्हें मुंह फाड़ कर नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी तो पुरानी आदत है मेरी हर बात को क्रिटिसाइज करने की। शुक्र है मुझे तुम्हारी तरह लोगों को बेइज्जत करने की आदत नहीं है। हुआ क्या है, कोई बताएगा? कुछ पता तो चले ना। मां बेटा, तुम अंदर जाकर फोन करो सारिम को, उसे सॉरी करो अपनी माँ की इस चीप हरकत पर। पापा, मामा ने किया क्या है? अपने अंदर की जलन निकाली, वो भी बहुत बुरे तरीके से। तू चांद और मैं तारा।